सल्तनते उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुंतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के नफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फलस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फहमो फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुकद्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेजों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। सलीम पाशा पर हमें एतमाद है, ये बात आप जानते हैं, इसीलिए आपने उनका नाम आखिर में रखा है पाशा। तुम भूखे हो ना, अच्छी बात है, भूख की वजह से और खतरनाक हो गए। मैं उसका राज तो नहीं जानता, मगर वो आपको खत्म करना चाहता है। आपका खादिम हिरम उस्मान, पता चला है कि वो तमाम जासूस पायतख्त में इस मुलाकात के लिए जमा हुए हैं। क्या आप तेल का वो इदारा खुद चलाना चाहते हैं फर्जंद? अगर आपकी इजाजत हो सुल्तान मौजम, हम यही चाहते हैं। सुल्तान मौजम के साथ गद्दारी करने वालों से वो अभी भी राब्ते में है, ये शक था हमें, और आज की ये खबर इस बात का सबूत है। अगर उस इदारे में किसी तरह अपनी औलाद सबाहद्दीन को मुंतजिम का ओहदा दिलवा दिया तो न सिर्फ सबाहद्दीन की किस्मत बल्कि उसके भाई और बहन की जिंदगी भी तब्दील हो जाएगी। आप इस नक्शे को अपनी महारत से इस पर तराशें। सुल्तान ने इदारे का मुंतजिम सलीम पाशा को मुंतखब किया है। सलीम पाशा? कौन सलीम पाशा? रुक जा, सब बताता हूं। कमालुद्दीन पाशा और नाइमे की शादी में अब ताखिर नहीं करनी चाहिए हमें, शर्त है हमारे लिए। बाबा ने हमारी शादी की तैयारियां शुरू करने की हिदायत दी है। सुल्तान को जब पता चलेगा तो क्या रद्द अमल होगा? आप फरेब का शिकार हैं बिदार खातून, हम तमाम वक्त शहजादी सादिया के साथ ही रहे हैं। महल के अतराफ में हमने अपने आदमी मुकर्रर कर दिए हैं, मुलाकात शुरू होते ही हमारे आदमी हमला करके उन्हें पकड़ लेंगे। एक खुले मकाम पर खुफिया मुलाकात की बात अकल तस्लीम नहीं कर रही, कोई तो बात है। अतराफ में कोई भी नहीं था सुल्तान मौजम, सिवाय पत्थर और पहाड़ के। वो यकीनन कहीं और हैं, लेकिन कहां है मुराद? आ जाओ। मैं खाने में थे। तुम्हें ऐसी जगहें पसंद हैं? इंसान वहां पे लोगों से अपनी हकीकत नहीं छुपाता, हर चेहरा शफाफ होता है। कौन कातिल है, कौन चोर, कोई आदमी भी किसी पर उंगली नहीं उठाता। तुम्हें इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा? मेरे लिए वो सब बुरे हैं। बताओ मुझे मार्को, क्या हुआ? महमूद पाशा हमारे लिए डरते सर बना हुआ है, मिन्नतें कर रहा है। उसका कहना है कि अब तक हम हर खेल में उसके साथ थे, लेकिन अब उसे इस खेल से अलग क्यों कर दिया, पीछे पड़ा हुआ है। उसे मारा क्यों नहीं?
मारना चाहिए था क्या? अगर वो दोबारा इस तरह की बकवास करे तो मार देना उसे। महमूद पाशा से हम अपना मकसद हासिल कर चुके हैं, इसलिए अब वो हमारे लिए बेकार है। वो इस वक्त ऐसे बम की तरह है जो किसी भी वक्त फट सकता है, और नहीं मालूम कि वो किस किस को अपने साथ ले जाए। आ जाओ बेटी। कुछ देर के लिए काम रोक सकते हैं बाबा? हलवे के लिए तो जरूर। वाह वाह वाह, माशाल्लाह, क्या बात है। ये अम्मी के हलवे जैसा लजीज है, बताएं मुझे। बहुत लजीज। सुल्ताना, आप इस वक्त यहाँ कैसे आना हुआ? सलीम पाशा, हमें आपसे एक अहम मामले पर बात करनी है। खुश आमदीद सुल्ताना, इज्जत अफजाई का शुक्रिया। आइए। बहुत शुक्रिया। आइए। क्या आप शरबत पीना पसंद करेंगी? जी जरूर। बैठिए। हम यहां बैठने नहीं आए हैं सलीम पाशा। हमें आपको दोबारा महल में देखकर बहुत हैरत हुई। फर्ज की अदायगी के लिए। यकीनन, फर्ज हमेशा आपके लिए सबसे अहम रहा है, जानते हैं हम। आपके शौहर के मुतालिक सुना है मैंने, यकीनन बहुत परेशान होंगी आप। आप जानते हैं, आप आखिरी शख्स हैं जिससे हम इस मामले पर गुफ्तगू करना चाहेंगे। आपने आज तक माफ नहीं किया मुझे। और आपने? आप बताइए, क्या आपने खुद को माफ कर दिया? सलीम पाशा, हम यहां आपसे बातें करने के लिए नहीं आए हैं, और ना ही हमें ये इल्म है कि आपको क्या जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन हमारी इल्तिजा है कि आप जल्द अज जल्द अपना फर्ज अदा करके महल से रुखसत हो जाएं। तो आप मुझसे ये कहने आई हैं यहां? मेरी मौजूदगी से परेशान हैं आप? इतना के अंदाजा भी नहीं लगा सकते आप। ये लीजिए सुल्ताना। बहुत शुक्रिया, काफी देर हो गई है, हमें अब इजाजत दीजिए, मैं आपके साथ आती हूं।
शब बखैर सुल्ताना। पता चला वालिदा? सुबह जाकर अपने वालिद को नाम दे दीजिएगा, लेकिन उन्हें हमारे सलीम पाशा के घर जाने का इल्म ना होने पाए। वालिदा, बाबा को सलीम पाशा से क्या मसला है? कुछ मासी की तलखियां हैं सबाहद्दीन, किसी की नजरों में आने से पहले हमें महल वापस चलना चाहिए। चलिए। कीजिए बाजी, इतने क्यों रो रही हैं आप? हम सब जानते थे एक दिन तो ये होना ही था। कुछ तो करे, कोई तो रास्ता निकलता होगा। चाचा जान फैसला कर चुके हैं, और आप जानती हैं ना, वो अपना फैसला नहीं बदलते। खदीजा इधर देखिए, हमारी तरफ देखिए। इस सूरत हाल से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, आप कमालुद्दीन को भूल जाइए। भूल जाए हम उन्हें? अगर हमारा दिल धड़कना भूल जाए तो सिर्फ उसी सूरत में हम कमालुद्दीन को भूल सकते हैं। आइंदा ये कभी मत कहिएगा हमें। बेटी आप क्या करेंगे बाजी? सुल्तान से बात करेंगे हम, जाके उनसे भीख मांगेंगे, कदमों में गिर जाएंगे। अच्छा ठीक है, फर्ज कर लीजिए आपने बात कर भी ली तो क्या, कमालुद्दीन से क्या तवक्को रखती हैं आप? सुल्तान से किया हुआ अहद आपके लिए तोड़ देंगे वो? जी हाँ। खदीजा बेहतर होगा खुद को समझा लें आप, अब ये नामुमकिन है। वो उस्मानी पाशा है, हमेशा सुल्तान के वफादार रहेंगे, वो कभी अपने अहद से मुनहरिफ नहीं होंगे, समझ गए हैं आप? समझ गए हम। ये जान लीजिए, हर उस्मानी पाशा की तरह वो भी अपने फर्ज को अपनी मोहब्बत पर तरजीह देंगे। यकीनन खदीजा, भूल जाइए उनको, ठीक है? सब खत्म। जैसा कि आप देख रहे हैं जनाब हर्ज़ल, हालात बेहतर होते जा रहे हैं। इस कमरे को देखकर तो ऐसा नामुमकिन सा लगता है पाशा। बिल्कुल, सच तो यह है कि हम इस वक्त एक अंधे कुएं में हैं, लेकिन ये जरूर याद रखिएगा यूसुफ भी एक कुएं में थे, लेकिन वो बाहर भी आए और मिस्र पर हुकूमत भी की। आप चाहे कुछ भी कह ले महमूद पाशा, कर्ज नहीं दूंगा आपको मैं, क्योंकि लगता नहीं है कि वापस कर पाएंगे आप। जनाब हर्ज़ल। सबाहद्दीन, ठीक है तो अब वक्त है आपको शराकत दारी की पेशकश करने का। इस खेल में रहने के लिए ऐसा क्या बचा है आपके पास? हमारे पास एक कीमती आराजी है और हम आपसे उसके बारे में बात करना चाहते हैं, बताइए इन्हें सबातीन। अब्दुल हमीद के लिए कीमती आराजी जिस शख्स की मिल्कियत है, उस शख्स का नाम इस पे लिखा है। कैसी आराजी? तेल जनाब हर्ज़ल, तेल, यानी आपकी जबान में बात करें तो काला सोना। वही जमीन खरीदने के लिए हम आपसे कर्ज लेना चाहते हैं। उस आराजी के मालिक का नाम इस कागज पर लिखा हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि यह मामला सबाहद्दीन को देखना चाहिए। मैंने देख लिया है, हमें अब रकम की जरूरत नहीं है बाबा। वो अराजी एक बूढ़ी औरत की है, मुझे नहीं लगता उसे अंदाजा भी है अपनी जमीन की कदर कीमत का। मगर फिर भी सबाहद्दीन,
अराजी को खरीदने के लिए हमें एक खतीर रकम की जरूरत तो होगी ही ना? हाँ सही कहा आपने, आफरीन। आप हमें जो रकम कर्ज देंगे वो आपको सूद समेत वापस लौटाएंगे जनाब हर्जल। नहीं शराकतदार होंगे हम, रकम वापस नहीं चाहिए। यकीनन अराजी आधी आधी, आधी आपकी होगी और आधी हमारी। लेकिन खरीदारी का अमल मुकम्मल होने से पहले अगर रसीद पर हमारे नाम नजर आए तो शुबहात पैदा हो सकते हैं। तो हम यूं करेंगे कि तमाम मामलात की जिम्मेदारी हम सबाहतीन पर डाल देंगे। एतराज नहीं मुझे, आपसे ज्यादा मुझे सबाहतीन पर भरोसा है। आला, ये तो सच है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो वायदा पक्का? कोई गलती नहीं होनी चाहिए पाशा। मुझसे पहले कभी कोई गलती हुई है जनाब हर्जल? जो अब होगी। हमने इस अराजी का जिक्र किया था जहां तेल सतह से करीब है। इसकी मालियत भी खासी कम होगी मेरे सुल्तान। फेरिस में से इस अराजी के मालिक को तलाश कीजिए, वो तेल की मौजूदगी से लाइल में इसलिए कीमत का अंदाजा नहीं होगा उन्हें। इंसाफ कीजिएगा, मालिक को आगाह करके उनसे कहिए कि खरीदार हम हैं, मालियत से ज्यादा दाम अदा कीजिएगा। जो आपका हुक्म सुल्तान मौसम। बहुत शुक्रिया कोचवान। रुको आती हूँ बेटा। अरे शुक्रिया, मैं ये पकड़ो और मेरी बात सुनो। तुम जवान आदमी हो, इस तरह मांगना अच्छी बात नहीं। खाला आप मुझे गलत समझ रही हैं, मैं मांगने वाला नहीं हूँ, बल्कि मैं तो आपसे कारोबार के सिलसिले में बात करने आया हूँ। क्या आपसे अंदर बैठकर बात हो सकती है? अच्छा ठीक है फिर आ जाओ, लेकिन मेरे पास कोई सामान या सेवर नहीं है। अरे खाला कोई बात नहीं, पहले अंदर तो चलिए, आइए आराम से देख कर। बहुत शुक्रिया खाला। सब शादी के ऐलान से बेहद खुश हैं। हमने हरम में तैयारियां शुरू कर दी हैं। कपड़ों का इंतखाब और उनको सिलवाने में काफी वक्त लग जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई और आरजू है तो हमें बताइए शहजादी। शुक्रिया बाबा जान, आपकी लंबी उम्र के अलावा हमारी कोई आरजू नहीं है। हम शादी पे क्या पहनेंगे? प्यारी गुड़िया, हम शाही दर्जी से आपके लिए खुसूसी लिबास तैयार करवाएंगे, आप सबसे हसीन लगेंगी, बेफिक्र रहिए। मेरे सुल्तान, मुखल होने के लिए माजरत, शहजादी के लिए शहद वाली चाय लाई हूँ। ये किस लिए लाई हैं आप? इन्होंने गले में खराश का बताया था इसलिए। अब खराश ठीक हो गई है? फिर भी पी लीजिए, हम नहीं चाहते कि आप बीमार हो जाएं। इजाजत दीजिए। फिरोजे, कल महल से आपकी रवानगी है ना? जी सुल्ताना। ठीक है, सलामती से जाएं। देखेंगे कौन सलामत रहता है बीदार सुल्तान। आपका ताल्लुक मूसल से है ना खाला? हाँ मूसल से, मगर वहाँ जाती नहीं मैं। वहाँ एक अराजी भी है आपकी,
क्या मुझे वो अराजी बेच सकती हैं आप? क्या वो बिक सकती है? हाँ बिल्कुल बिक सकती है, मैं बड़ी रकम दूंगा आपको। नहीं बेटा, वो जमीन तो बिल्कुल बेकार है, ना तो वहाँ अनाज उगता है और ना ही कोई पौधे। बेटा तुम क्या करोगे उस अराजी का? देखिए, एक बड़ी नेक हस्ती है सबहद्दीन साहब, दरअसल वो आपकी मदद करने के ख्वाहिशमंद है, मगर उन्होंने कहा कि आप एक खुददार खातून हैं, किसी की मदद कबूल नहीं करती। उन्होंने ही मुझे आपसे यह अराजी खरीदने के लिए कहा, क्योंकि ये नेकी का काम है और यकीनन आप इस तरह बहुत खुश हो जाएंगी। देखो बेटा, यहाँ कितने लोग इमदाद के मुंतजर हैं, ये पैसे उन्हें दे देना। अरे खाला, आप अपनी वो जमीन फरोख्त करके खुद अपने इन मुबारक हाथों से फकीर फुकरा और जरूरतमंदों की मदद करें, यही मशवरा दूंगा मैं आपको। इतना भी क्या सोचना खाला, किसी इंसान की अच्छे काम के लिए मदद करना भी तो बड़ा नेकी का काम है, सही कहा ना? हाँ, तो चलें फिर हम कागजी कार्रवाई मुकम्मल कर लेते हैं, फिर आप खुद ही अपने हाथ से गरीब गुरबा और फकीर फकरा की मदद कर दीजिएगा। चलिए चलिए, तैयार हो जाएं, जल्दी से चलते हैं, देर नहीं करनी चाहिए नेक काम में। सुल्तान, हम मुलाकात की जगह तलाश कर रहे हैं, इसके अलावा हमने रेल में मौजूद तमाम अफराद के नाम भी मालूम किए हैं, लेकिन लेकिन तमाम पासपोर्ट और नाम जाली हैं। जी मेरे सुल्तान। कितने लोग थे? तकरीबन 30। 30? यानी इस वक्त 30 जासूस पाए तख्त में आजाद घूम रहे हैं, वो यहां नक्शे के लिए आए हैं या नहीं? आखिर कौन है उनके पीछे? यकीनी तौर पर किसी साजिश का हिस्सा है वो। हमारे पास सिर्फ ये नकली और अजीब नाम है, हमने अपने जासूस सिरकेजी के कोचवानों की तरफ भेजे थे, मगर वहां से भी कोई सुराग नहीं मिला। पाए तख्त एक समंदर है और आप एक मछली पकड़ने का जाल। सही फरमाया पाशा। हमें ये सारे नाम दोबारा पढ़कर सुनाइए। तहसीन पाशा, जनाब हेडसन, ग्रेगसन, लेस्ट्रेड, आयरन एडलर और जॉन वाटसन। हम उनको इन नामों से ही तलाश करेंगे। ये सब नाम आर्थर कॉनन डॉयल की तहरीर करता किताब शरलॉक होम्स से मुतासर होकर रखे गए हैं। मेरे सुल्तान, इनसे हमें कैसे फायदा होगा? ये जासूसों के दरमियान राब्ते का एक तरीका है। अब्राहम लिंकन के कातिलों ने अपने तमाम रास एडगर पोए की किताब में छुपाए थे। फरसन, जिस शख्स की हमें तलाश है वो शरलॉक होम्स का मद्दा है, वो अपने कारिंदों से इस किताब के जरिए राब्ते में है। एक एक नाम, उनका मकाम, पते और हदफ। तहसीन पाशा, हमारे फर्जंद को डोयल की किताबें पढ़ने के लिए दीजिए, जरूर पढ़िएगा आप। सुल्तान मौज़म, आपने किताबों की देखभाल की जिम्मेदारी आसन को सौंपी थी। तर्जुमा गांव में से आप कुछ भी तलाश कर सकते हैं। क्या आप किसी फैसले पर पहुंच गए? तमाम लोग बाहर आपसे इस नए इदारे का नाम जानने के मुंतजर है मेरे सुल्तान। कैसे हैं आप तहसीन पाशा? अल्हम्दुलिल्लाह, फिक्र न करें, मैं ठीक हूँ। जल्दी में हैं क्या आप? जी हाँ, सुबह 3 में जल्दी में हूँ। पाशा, वो जो कंपनी का काम है वो असल में तेल है ना? आप भी उसमें दिलचस्पी रखते हैं? अगर ऐसा है तो आप सुल्तान मौज़म से बात कर सकते हैं सुबह 3। सुल्तान यकीनन पहले ही किसी के नाम का इंतखाब कर चुके होंगे, है ना? कौन है? सलीम पाशा।
क्या मैं डॉयल की किताब देख सकता हूँ? किसकी? आर्थर कॉनन डॉयल की। किताबें आप ही रखती हैं ना? जी नहीं, ये मेरा काम नहीं है। सुल्तान ने आपका ही कहा था। दरअसल एक अहम मामले को हल करने के लिए हमें वो किताबें पढ़नी है। ये हैं वो किताबें जो आपको चाहिए, मगर इनको पढ़ने में बहुत वक्त लगेगा। आसन साहिबा। जी बिल्कुल। कहाँ से शुरू करना पसंद करेंगे? आप क्या तजवीज करेंगी? ये इस पे मुनसिर है कि आप किस हवाले से पढ़ते हैं। हमारे आला वकार मामू ने आपका नाम दिया, तो हम भरोसा कर सकते हैं। आपके मामू? सुल्तान अब्दुल हमीद। वो हमारी नानी के रजाई बेटे हैं, तभी हम उन्हें मामू कहते हैं। ठीक है, तो यानी ये किताबें आप हमारे सुल्तान के हुक्म पर पढ़ना चाहते हैं? काश के बस इतना ही होता। इधर आइए, हमें उनमें से कुछ खुफिया इशारे तलाश करने हैं। फिर तो अल्लाह आपकी मदद फरमाए। हमें खुशी होगी अगर आप हमारी मदद करें, हमारी खातिर नहीं, सुल्तान की खातिर। सुल्तान माजम। आ जाइए पाशा। मेरे सुल्तान, ये सलीम पाशा की तेल कंपनी में मुंतजिम आला तकर्री की दरखास्त है। ये सिर्फ तेल नहीं है पाशा, ये तेल कंपनी साथ ही रेलवे से मुतालिक उमूर भी देखा करेगी। हम इस पर दस्तखत करते हैं, आप एक और नई दस्तावेज तैयार करें। माजरत चाहता हूं मेरे सुल्तान, मगर दस्तखत से पहले मैं आपसे कैसे कहूं कि... कहिए पाशा। गुजारिश है कि दस्तखत करने से पहले अराजी के मालिक से मिल लीजिए आप। हम अच्छी तरह जानते हैं पाशा कि आपकी कही हुई कोई भी बात मकसद और हिकमत से खाली नहीं हुआ करती। भेजिए। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। मेरे सुल्तान, सबहद्दीन। सुल्ताने मुअज्जम, तो आप हैं उस अराजी के मालिक जिसमें तेल मौजूद है? मेरे सुल्तान, मैं काफी अरसे से दिलचस्पी रखता हूं इसमें। मुझे इसकी कदर का अंदाजा था, इसलिए वालिद से मिलने वाली रकम जमा करके ये जमीन खरीद ली थी मैंने। मैं जानता था ये बंजर जमीन कभी बहुत कीमती होगी। यकीनन काफी मुनाफा बख्श सरमायाकारी की है आपने। लेकिन मेरे सुल्तान, मेरा सब कुछ रियासत का है, मेरी जिंदगी, मेरी जमीन, सब कुछ कुर्बान कर सकता हूं। अपनी जमीन बिला मुआवजा देने के लिए तैयार हूं। रियासत मकरूज नहीं हुआ करती फर्जंद। ये कर्ज नहीं है मेरे सुल्तान, क्या आप मुझे नई कंपनी का मुंतजिम आला बना सकते हैं? तेल के शोबे में सबसे पहले काम मैंने शुरू किया और बहुत ही कम कीमत में यह कीमती अराजी खरीदी। कामयाबी नहीं है? बताइए, बेहतर तरीके से चला सकता हूं कंपनी में। मेरे सुल्तान, आपसे इस ओहदे का तलबगार हूं मैं। शहजादे अब्दुल कादर भी हमसे यही चाहते हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो शहजादा और मैं, हम एक साथ काम कर सकते हैं। तहसीन पाशा, आइए दस्तखत कर लें। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान।
रुक जाओ, बस ठीक है, इतना काफी है। आ जाओ मार्को, आ जाओ, तुम जा सकती हो। क्या खबर है? तेल कंपनी का मुंतजिम आला बनाया जा रहा है सबाहद्दीन को। ये सबाहद्दीन कौन है? महमूद पाशा का बेटा है वो। ओह, महमूद पाशा। तुम्हें क्या लगता है कि महमूद पाशा खुद को हमारे सामने साबित करने की कोशिश कर रहा है या अब्दुल हमीद के? मेरे ख्याल से आपको इसका जवाब मालूम है। दुरुस्त, जानता हूं मैं महमूद पाशा किसके सामने क्या साबित करना चाहता है, ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूं मार्को। मैं सब समझ चुका हूं। तुम महमूद पाशा के लिए भी पिंजरे में जगह बनाओ। जख्मी लोमड़ी हमेशा ज्यादा खतरनाक होती है। बाबा बहुत होशियार हैं, उनकी बात सही साबित हुई। सुल्तान मुअज्जम ने उसी वक्त मेरी तकरूरी के अहकाम जारी कर दिए। हम बहुत खुश हैं, अल्लाह आपको कामयाब करे। इंशाल्लाह आप खुद को इसके लिए अहल साबित करेंगे। हम बस आपसे ये कहना चाहते हैं कि हमें कभी भी सुल्तान के सामने शर्मिंदा मत करवाइएगा। फिक्र मत करें वालिदा, आप संभाल लूंगा मैं जाकर बाबा को बताता हूँ, वो बहुत खुश होंगे। ठीक है, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। बेदार खातून। खैरियत तो है स्नेहा सुल्तान, आज बहुत खुश नजर आ रही हैं। जी वाकई हम बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि हमें एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है। सुल्तान मुअज्जम हमारे फर्जंद सबाहद्दीन को तेल कंपनी का मुंतजिम बना रहे हैं। आपके जराए ने यकीनन आपके साथ मजाक किया है सनिया सुल्तान। जब शहजादा अब्दुल कादिर ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं, तो सबाहद्दीन को ये फरीजा क्यों सौंपा जाएगा? हमारे सुल्तान मुअज्जम अपने अंदाज से काम करते हैं, यकीनन उन्होंने कुछ सोचा होगा। फिर भी ज्यादा पुरुम्मीद और खुश ना हो, बाद में कहीं सच जानकर तकलीफ ना महसूस हो। इस दफा तकलीफ आप ही को महसूस होगी बेदार खातून। इस वक्त यहां क्या कर रही हैं? हमें आपसे कुछ बात करनी थी सुल्ताना, एक गुजारिश है आपसे। किस बारे में? हम यहां रहना चाहते हैं, इस महल में रहकर शहजादी सादिया की खुद देखभाल करना चाहते हैं। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हम जी जानते हैं दिलाए खादिमा है यहां, लेकिन सुल्ताना शहजादी सादिया भी बच्ची हैं, वो खेलना चाहती हैं। दिलाए खादिमा पे बहुत जिम्मेदारियां हैं, वैसे भी शहजादी की तमाम आदतों और पसंद नापसंद से वाकिफ है हम।
आप कल जा रही हैं वापस। जनाब हर्ज, पुरानी यादें ताजा हो गई मेरी। बहुत अरसे बाद किसी को अपना मुंतजर पाया है। आप मेरे लिए बहुत अहम है महमूद पाशा, इसलिए आपके साथ काम कर रहा हूं। क्या वाकई आपके लिए अब भी अहम हूं मैं? दावतनामा कैसे हासिल कर लिया? जनाब पारवुस अक्लमंद इंसान हैं। मैंने खुद को खिलाड़ी साबित किया और वो समझ गए। कैसे साबित किया आपने? आपके दिए हुए कर्ज की वजह से सबाहतीन को तेल के इदारे का मुंतजिम आला बनवा दिया। अब्दुल हमीद ने सबाहतीन को मुंतजिम आला बना दिया? सबाहतीन ने जब वो जमीन बिला मुआवजा तोहफतन हुकूमत को पेश कर दी तो हमारा काम हो गया। मेरे पैसे से जमीन खरीदकर आपने सुल्तान को दे दी। तहमुल से काम ले जनाब हर्जल, हम भी इस खेल का हिस्सा हैं। वक्त आने पर आपको आपकी रकम सूद समेत वापस लौटा दी जाएगी, मुतमईन रहें आप। फिक्र मत कीजिए, इस खेल में अब मैं भी आपका साथी हूं। वक्त आ गया है तुम्हारी मदद लेने का, वालिदा का इंतकाम लेने में तुम मदद करोगे। आप तीनों हजरात ही तेल कंपनी के मुंतजिम आला के लिए नामजद किए गए हैं। हर जहाज का एक कप्तान हुआ करता है, इसलिए इस कंपनी का मुंतजिम आला भी एक होगा। फर्जन सबाहतीन ने पहले भी तेल के शोबे में काम किया हुआ है, हत्ता कि इन्होंने अपनी कीमती अराजी भी बिला मुआवजा इस मंसूबे के लिए रियासत को हदिया की है। माशाल्लाह। लेकिन यह जाती सरमायाकारी के कायल है, और क्योंकि रियासत कंपनी में शराकत दार होगी, ये इनकी इक्तिसादी फिक्र के बरक्स है, इसलिए हमारे फर्जन सबाहतीन आप जा सकते हैं। अल्लाह आपकी उम्र दराज करे मेरे सुल्तान, अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। हमारी ये नई तेल कंपनी आपकी जिम्मेदारी होगी सलीम पाशा। उम्मीद है आप अपने खानदानी तजर्बे का बेहतरीन इस्तेमाल करेंगे। हमने आपको वो तेल की जमीन पत्थर पर तराशने को दी थी, और आपने उस राजी की मिल्कियत हासिल ना करके अपनी वफादारी साबित कर दी है।
वो अराजी बिलाशुबा बहुत कीमती अराजी है, लेकिन उसे खरीदने का ख्याल कभी नहीं आया। ये जिम्मेदारी आपको मुबारक हो, अल्लाह कामयाब करे। शुक्रिया सुल्ताने मुअज्जम। अब ये सोचना आपका काम है कि आपसे कहां गलती हुई है अब्दुल कादिर। आखिर आप वो शख्स क्यों ना बन पाए हमारी नजर में जो ये जिम्मेदारी उठा सके, सोचिए जरा। जब से जवान हुए यही सोचते आए हैं, लेकिन अब कोई गलती नहीं हुई हमसे। पूरी मेहनत की, इस काम से मुतालिक सारी किताबें पढ़ी। हम जब भी खुद से कुछ करना चाहते हैं तो आप हमारा साथ नहीं देते मेरे सुल्तान। तो आपको यह लगता है कि जो मेहनत आपने की वो जाया हो गई? ग्रेफेंड साहब की कंपनी में आपको जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, परेशान ना हो आप। जब तक आप सीधी राह पर हैं हम आपके साथ हैं फरजंद। तहवे का कह दीजिए पाशा। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। मेरा दिल, मेरी होने वाली सोचा नायमे सुल्तान की अमानत है। आज के बाद हम ताकत के लिए हमला करेंगे और उस वक्त तक हार नहीं मानेंगे जब तक सल्तनत उस्मानिया अपने इख्तिताम को नहीं पहुंच जाती। हमारी दोस्ती की बुनियाद पर हम शराकत दारी के बगैर ही अपनी तमाम तकनीकी महारत आपको पेश कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। या अल्लाह मदद फरमा, शहजादी सादिया। मालूम करें कि उस सबातीन को कैसे इल्म हुआ कि कौन सी जमीनें खरीदनी चाहिए।